हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे नैनीताल और एक रियलिटी चेक करेंगे। 1 से 2 तारीख में नैनीताल में हुई थी स्नोफॉल, जिसके पीछे मैं तुरंत भाग के आ गया नैनीताल। आज हम रियलिटी चेक करने हल्द्वानी से नैनीताल जाएंगे भाई। लेक और यहाँ से मॉल रोड की स्टार्टिंग हो जाती है, लेक के बगल में ही गली जा रही है और वो वहाँ पे है नैनीताल बस स्टैंड। हल्द्वानी से नैनीताल की दूरी सिर्फ 1 घंटे की है और 85 रुपीज किराया है। अभी रात के 7 बजे है और मैं हल्द्वानी से अयोध्या वाली बस का इंतजार कर रहा था और वह बस भी आ गई। बस आने के बाद पता चला कि लखनऊ तक ही बस जा रही है, जिसकी वजह से मुझे नाइट स्टे लेना पड़ा हल्द्वानी में। फिर मेरा नाइट स्टे हल्द्वानी के होटल सिल्क में हुआ, जिसकी बुकिंग मैंने ऑनलाइन ही कर दी थी गोआईबीओ से। फिर मॉर्निंग होते ही मैं निकल जाता हूँ नैनीताल की तरफ, सोता हूँ और सुबह मिलता हूँ आप लोगों से नैनीताल के नज़ारों के साथ में भाई। गुड मॉर्निंग एंड मैं रेडी वेडी हो चुका हूँ भाई और अब निकलता हूँ नैनीताल के लिए। वैसे 10 बज चुके हैं और 2 बजे फिर नेक्स्ट जर्नी भी करनी है, तो भाई फटाफट निकलते हैं नैनीताल और फटाफट आते हैं और आपको दिखाएंगे कि भाई कल स्नोफॉल हुई थी, स्नोफॉल के बाद नैनीताल दिखता कैसा है। मतलब स्नोफॉल हुई थी और देखेंगे रोड वोड पर जमी है कि नहीं, कितनी स्नोफॉल हुई थी। मेरे को तो यार लगता नहीं कि इतनी हुई होगी, बट जो भी है चलो चलते हैं। बाकी देखिए कुछ प्रॉपर्टी थी, इससे बाहर का व्यू देखिए आप, अभी नज़ारा ऊपर हल्द्वानी का पूरा देखिए। तो भाई फटाफट से चलते हैं हम लोग, अपना बैग वैग लेते हैं और फटाफट निकलते हैं बस स्टैंड की तरफ। लेकिन उससे पहले चाय पियेंगे, क्योंकि भाई सुबह सुबह चाय ना पी तो दिन अधूरा जाएगा भैया। चाय पी के फिर निकलते हैं नैनीताल की तरफ। तो चलो भाई जर्नी में बने रहना और जर्नी बहुत मज़ेदार होगी, क्योंकि हल्द्वानी से नैनीताल ना पूरा हिली रोड है, तो दिखाने में और भी मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं फटाफट। तो भाई देख लो, ये था हमारा होटल सिल्क जहाँ पे हमने स्टे करा था, सबसे ऊपर स्टे करके अब हम निकल रहे हैं सीधा हल्द्वानी बस स्टेशन की तरफ। हल्द्वानी से जो नैनीताल का रास्ता है वो सिर्फ 1 ही घंटे का है और बाकी काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई क्या यहाँ से कितनी बजे बस जाती है। तो यहाँ पे ना बसों की कमी कुछ है नहीं बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो हर आधे घंटे में ऐसे बस निकलती है। दूसरी बात क्या है कि दिल्ली से, बरेली से, आगरा से, हर जगह से भी यहाँ पे बस आती है जो कि हल्द्वानी होके ही जाती है। तो बाकी चलो चलते हैं, बाकी वहाँ देखेंगे क्या एक्चुअल टाइमिंग है, क्या फेयर वगैरह। कल तो भाई इतनी भीड़ थी, मैंने देखा था ना, तो कल भाई बहुत भीड़ थी नैनीताल जाने वालों की, सैलानियों की, क्योंकि कल ही बर्फ़ पड़ी थी। तो भाई वो शाम को जाएंगे वहाँ स्टे करेंगे। मैं भी सोच रहा था कि भाई नैनीताल चल जाऊँ, वहीं स्टे करूँगा, बट थक कितने का था कि जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने फिर रेस्ट ले लिया और आज हम निकलते दोबारा। बाकी आप इस बगल में देख रहे हो ना, ये है कुमाऊं बस अड्डा। यहाँ से आप बागेश्वर, ताकुला वगैरह की आपको बस मिल जाएगी, अल्मोड़ा, रानीखेत, यहाँ से यहाँ तक लाइन में लगा हुआ है। इसी के जस्ट सामने है हल्द्वानी का बस स्टेशन रोडवेज, जो कि सामने आप देख सकते हैं उत्तराखंड परिवहन रोडवेज बस स्टेशन हल्द्वानी। तो चलते फटाफट एंट्री लेते हैं। और अभी 2-4 दिन से ना काफ़ी भीड़ भी हो रही है बिकॉज नैनीताल में बर्फ़ पड़ी है, इसलिए। चलो भाई बाकी देख लो, छोटी मोटी गलियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा। देखो भाई एंट्री ले लिए है हमने अंदर और यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ये सेक्शन है ना, पूरा दिल्ली गुरुग्राम फरीदाबाद का है। तो जैसे आप एंट्री लोगे उल्टे साइड से, वो सीधा है उल्टा, हमें सबसे पहला जो साइड है वो पूरा दिल्ली गुरुग्राम फरीदाबाद का, और इस तरफ जो आपको पूरा साइड मिलेगा वो मिलेगा फरुखाबाद, लखनऊ, बरेली, आगरा, कानपुर। इस तरफ सारी यूपी की बस मिलेगी ज़्यादातर आपको, और इस तरफ आपको मिलेगा जैसे हल्द्वानी के जो छोटे मोटे रूट है, और जैसे हरिद्वार, देहरादून, वो रात में आपको यहाँ से मिलेगी। बाकी उसके पीछे फिर मिलेगी आपको नैनीताल की। तो चलो भाई चलते हैं फटाफट। और यहाँ पे बैठने का काउंटर वगैरह है जहाँ बैठ सकते हैं, पूछताछ आप कर सकते हैं। बाकी देख लो भाई, बाकी ये बस स्टेशन कब बनेगा वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हाँ जल्दी ही बन जाएगा भाई। देख लो यही है बस स्टेशन, यहाँ से घुसेंगे और यहाँ से करेंगे। बाकी देख लो ये आपके नैनीताल 1, 2, 3 और नैनीताल की बस यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन उसकी क्या है कि आगे सीट नहीं है, इस वजह से मैं नहीं चढ़ रहा। बाकी देखो ये है बस स्टेशन, यहाँ से एंट्री लेंगे वहाँ पे ख़त्म। तो जैसे आगे बनेगा, अभी ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, जैसे आपने देखा रामनगर में बस स्टेशन बन रहा है और टनकपुर का भी स्टार्ट हो गया, आई थिंक मेरे ख्याल से रुद्रपुर का बन रहा है। देख लो भाई बस में है 2x3 का कॉम्प्लिकेशन, जो कि हल्द्वानी नैनीताल वाली है बस, और इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से 34 सीट है बस, देख सकते हो। बाकी 34 सीट है और हमने आगे वाली सीट लिया, क्योंकि भाई कल नैनीताल में हुई थी स्नोफॉल। वैसे आज तो मुश्किल है कि हो पाएगी, बट जाके देखते हैं जो भी कैसा है। बाकी ये बस स्टेशन देख सकते हैं,
बाहर चलते हैं, बाकी असली गाइड आपको वहीं से देंगे। देखो भाई, आ चुके हैं अभी हम बाहर की साइड, ठीक है। और इस लाइन में आपको नैनीताल की ही बस मिलेगी। देखो उसके पीछे एक और लगी है, फिर बैक टू बैक लगी है। भाई आज की जर्नी जो है हमारी सरोवर नगरी नैनीताल की होने वाली है। नैनीताल में नैनीताल लेक है घूमने के लिए, नैना देवी टेम्पल है, और बाकी बहुत सारी जगह मैंने एक्सप्लोर करा हूँ मैं। कम से कम ये मेरा पता नहीं कितना बार चक्कर होगा नैनीताल का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट यहाँ से आप कभी भी आ जाओ, आपको बस मिल जाएगी। मैं इस समय आया था कि बस नहीं मिलेगी, बट देखो सामने बस लगी हुई मिली है। दोस्तों आप जो दिख रहे हैं सामने चौक दिख रहे हैं, ऐसे से कैनर रोड नैनीताल आर्मी कैंप के लिए गोल चक्कर। बाकी भाई हमारी बस 10:30 निकल गई थी ना नैनीताल के लिए। आधे घंटे में आपको बस मिल जाएगी मेरी जल्द से। बाकी बस तो पूरी फुल है, और एक आपको पता खड़े खड़े पैसेंजर नहीं ले जाते, तो एक दो चल जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा। बाकी चलते से जो काठगोदाम की दूरी है 4 से 5 किलोमीटर है। और बेसिकली यहाँ पे एक उत्तराखंड रोडवेज का वो भी है डिपो, फिर यहाँ से जस्ट चढ़ाई आपकी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 4-5 किलोमीटर इधर काठगोदाम। ग्यारह बज चुके हैं और अभी हम दो गांव में पहुंचे हैं। और वैसे आपको बताते हल्द्वानी में तो थोड़ी सी गर्मी थी, बट यहाँ पहुँचते पहुँचते हल्का सा ठंडा मौसम लग रहा है मुझे। यहाँ का मौसम और यहाँ का वेदर देख के ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी कल स्नोफॉल हुई थी नैनीताल में। अगर हुई भी होगी पिघल गई होगी, है ना, बाकी कुछ कह भी नहीं सकते। बाकी क्या स्नोफॉल की क्या अपडेट है वो आपको तो नैनीताल में ही जाके मिलेगी। बाकी देखो अभी तो यहाँ लगी हुई है दो गाँव में, बाकी देख लो दो गाँव में अभी बस खड़ी हुई है इस तरफ, और इस तरफ देखो कितने सारे आइटम मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है बताओ, जो भी नैनीताल से वो बताओ कि भाई स्नोफॉल हुई थी कि नहीं। और आज की जो हम डेट बात करें, आज 3 फरवरी है, तो बाकी जा रहे हैं देखो क्या होता है, वो तो आ गई पता। देख लो भाई हमारा ब्रेकफास्ट रायता और पकौड़े के साथ में हो रहा है यहाँ पे। भाई जो आपने अभी रूट कटते हुए देखा वो कट जाएगा अल्मोड़ा की तरफ और भवाली की तरफ, और ये जाएगा भाया नैनीताल होते हुए भवाली। तो चलो भाई जर्नी करते हैं।
भाई देखो अभी हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। नैनीताल का बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड सामने ही है लेक नैनीताल। चलो भाई नैनीताल लेक के पास चलते हैं। देखो भवाल यहाँ से 11 किलोमीटर है, राजभवन 2 किलोमीटर, मॉल रोड 0, तो मॉल रोड भी यही है। चलो दिखाते हैं, पहुंच चुके हैं नैनीताल। और बहुत सारे लोग बोले थे कल स्नोफॉल हुई थी, आज का मौसम देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि भाई स्नोफॉल करके टाइम हुई थी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बाकी आप लोगों को क्या विचार है वो आप कमेंट में करना, कि जो लोग वीडियो देख के भाई भागने आए थे स्नोफॉल पड़ी है स्नोफॉल पड़ी है, तो ऐसा मत करिए। बट नैनीताल लेक अगर आपको देखनी है और यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन स्नोफॉल के पीछे जाना है तो आप, मैं आपको कहूँगा आप मसूरी जाइए, धनौल्टी जाइए, या औली जाइए, जोशीमठ जाइए, या कुल्लू जाइए, मनाली जाइए, शिमला जाइए, नारकंडा जाइए, मगर नैनीताल में अभी कोई बर्फ़ का सीन नहीं है। बाकी सामने देख सकते हो यही है लेक। भाई धूप निकली है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, लेकिन स्नोफॉल का कोई चांस मेरे को यहाँ पे अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। बाकी देखिए सामने यहीं से मॉल रोड की स्टार्टिंग हो जाएगी, यहाँ से मॉल रोड और उस तरफ है ना लेक, जहाँ खत्म होगा वहाँ पे है एक नैना देवी टेम्पल। भाई आप सुबह आओ चाहे रात में आओ, नैनीताल आपको कभी निराश नहीं करेगा। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि नैनीताल है ही इतना प्यारा। मैं हर बार नैनीताल आता हूँ और इतनी हवड़ दवड़ में आता हूँ कि मेरे को ना तुरंत ही लौटना पड़ता है भाई, क्योंकि सीन मैंने ऐसा कुछ क्रिएट कर रखा है भाई। मैं यार सुबह सो रहा था 9-10 बजे तक आराम से, मैं सोचा निकलता हूँ यार बोटिंग करने का मन तो है, लेकिन जो है ना कि कर नहीं सकता, अगर मैंने यहाँ बोटिंग करी मैं लेट हो जाऊँगा। आ चुके उसी चौक पे जहाँ से नैनीताल का मेन चौक है। बाकी भाई कैसा लगा हल्द्वानी से नैनीताल का ये वीडियो, और अगर आप लोग भी कर रहे हैं प्लान नैनीताल आने का तो इस तरीके से आ सकते हैं जैसे कि मैंने आपको फुल गाइड किया हल्द्वानी से नैनीताल और नैनीताल से हल्द्वानी। इस तरीके से आओ 85 रुपीज़ हल्द्वानी से नैनीताल और नैनीताल से हल्द्वानी, और दिल्ली से बात करें तो आई थिंक 600 से 700 रुपये के कुछ बीच में आपका चार्ज लगेगा।